he got 96% and we were like, and I had also planned this. तू कैसे जा सकता है? तू इंजीनियरिंग जा, तेरा आईटी होगा, तू आईटी जा. लड़कियों के चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में, गाइस. लड़कियों के चक्कर में स्कूल से था ये. साइकिल वाइकल लेके निकल कुछ भी. So like all the forces around him was like forcing him to go to IIT. Hey guys, welcome back to the channel. This is your boy Eclipse Nova. I hope that you watched the first video. मैंने इनके साथ बनाया. दिस इज द सेकंड वीडियो. इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, कौन मुझे ज्यादा जानता है पहले आंसर देगा, और जो पहले आंसर देगा भी सही आंसर देगा. इसके क्या चांसेस है मैं जॉब लूंगा ही नहीं, लूंगा ही नहीं मतलब स्टार्ट ही नहीं करना. हाँ, मैं डायरेक्टली जॉब लूंगा ही नहीं, यूट्यूब करने लगूंगा. आई थिंक कि ये ज्वाइन कर लेगा बाद में, भले ही वो छोड़ दे. सो लेकिन भरोसा नहीं है. तो 20% चांस है कि ये छोड़ भी सकता है. सो 85-15 आई वुड से, लाइक 85% ये ज्वाइन करेगा. इवन इफ ही फील्स दैट ही वांट, ही विल ज्वाइन. And then maybe later forcing. Okay, just kidding. Okay, later. To be honest, guys, I don't know this right now. I think, matlab. So we don't have a winner. No, we don't have a winner. मेरा ये plan है. मेरा ये plan है. मैं under 30 शादी कर लूँगा. Yes or no? ये तेरा plan है? I'm just asking yes or no. नहीं, no. Plan. No. Okay, this is correct. One piece of advice, जो कि आप दोनों मेरे younger self को देना चाहते हैं, जब मैं छोटा था, like बहुत छोटा था. अच्छा. से. से तो मैं देना चाहूंगा एडवाइस आप, लेकिन पहले बोल दो. मैं ये बोलना चाहूंगा, लड़कियों के चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में, गाइस. लड़कियों के चक्कर में स्कूल से था ये. साइकिल वाइकल लेके निकल कुछ भी, गाइस बिल्कुल गलत है. अय्याशी, अय्याशी हो. मैं टॉपर था अपने बोर्ड का, ठीक है. क्यों, कौन कहता है वो लोग अय्याशी नहीं कर सकते? अलाउड नहीं है. गाइस दिस इज टोटली फेक. मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है. इवन इफ यू डोंट फील, इवन इफ ही सेज इन हिज वीडियोस की मैंने, इसका टर्न, इसका टर्न. हां तो बिल्कुल झूठ है गाइस, दैट इज ट्रू. कि हम सब में से सबसे पहले ये आगे निकल पड़े. क्या गाइस, दिस इज टोटली फेक. लुक एट माय फेस. 600 से वो स्नेक वाले गेम जिसमें खेलते हैं ना, उससे वो फोन कर जोर की आवाज निकल रही है. इसको पता था ये अंजान बन के बैठते. ठीक है, टॉपिक सूट नहीं चल रहा. नहीं ठीक है, तुम्हारा टर्न. Guys, before we move forward in the video, I need to tell you that this video is in association with Unacademy, and like always, Unacademy has come up with something really great. 28 December को वो दो न्यू बैचेस शुरू कर रहे हैं. उनका नाम है एज एंड एक्सेलेंस. दोनों में ही वो तुम्हें क्लास 11th के सिलेबस का रिवीजन कराएंगे, बट एज में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि वो तुम्हें क्लास 12 का भी सिलेबस कवर करेंगे. और ये टॉप एडुकेटर्स के द्वारा कवर किया जाने वाला है, लाइक एमसी सर, ब्रिजेश सर, एनपीयू सर. इनफैक्ट वी ऑल नो कि अनअकैडमी कितना ज्यादा अच्छा कर रहा है अभी ऑनलाइन टीचिंग के मामले में. सो आई थिंक यू शुड ज्वाइन इट, यू शुड हैव द एक्सपीरियंस, एंड ऑल्सो यू कैन हैव अ 10% डिस्काउंट इफ यू यूज माई कूपन कोड दैट इज नोवा फैम. मतलब अब इतना तो मतलब जानते हो हाउ इट दिस ऑल वर्क्स. सो या, आई थिंक यू शुड डू इट, एंड या, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स JEE 2022, बिकॉज ये उन लोगों के लिए जो कि 11th में है अभी. एंड एट द सेम टाइम ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू इज प्रिपेयरिंग फॉर JEE. यार यू वांट टू डू इट, आई ट्रस्ट यू. कोई एडवाइस नहीं देना चाहिए. हाँ एक्चुअली सच में ये मेरे लिए हमेशा से मतलब लाइक परफेक्ट फिगर था. आइडिया तो नहीं, लेकिन लाइक नहीं मुझे लगता था कि ये लाइक बहुत सही है, क्योंकि एक्चुअली था ये ना, ये मेरे से बहुत ही ज्यादा अच्छा था और मैं बहुत ही खराब था. ऐसा कुछ नहीं था, मुझे लगता था कि यार इसके तरह बनना चाहिए. मैं इसे हमेशा कॉपी करने की कोशिश करता था लोगों को. सब कुछ लोगों को वो दिखता जब दिखाते हो. बेसिकली एंसर्स दैट आई थिंक यू नो अबाउट मी व्हाट आई शो यू. मतलब 20 साल तो मुझे घर में दिखाने को इस तरह. व्हाट यू चोज टू शो, आई डोंट नो व्हाट. ऐसा कुछ बात नहीं है, मतलब ये काफी मेहनती था, थोड़ी सच बात है. तो बस सच में था, वो अभी भी है. चलो ठीक है, मूव ऑन करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज की कई सालों से देखो अंदर से आ जाता है जो फैक्ट है ना, वो अंदर से आ जाता है. तू क्या है वो? चलो मैं मुंबई फ्यूचर के लिए कोई एडवाइस. ज्वाइन कर लियो, ऐसे ही कर लियो थोड़े दिन, मतलब कोई जॉब वाली लाइफ. आई बिलीव दैट यू शुड एक्सपीरियंस एवरीथिंग, यू शुड नो हाउ अ कॉर्पोरेट लाइफ फील्स. इट्स कंप्लीटली अप टू यू. तेरे को छोड़ना है, एक दिन में छोड़ना है, दो दिन में छोड़ना है, पांच दिन में छोड़ना है, बट एटलीस्ट मतलब ज्वाइन कर लो. बट तू ज्वाइन कर फ्यूचर में, छोड़ ही देना, लेकिन तभी छोड़ना तुम जॉब छोड़ने के लायक हो.
मैं अभी ये बोल सकता हूँ जॉब छोड़ने के लायक नहीं हो. लाइक इट्स अ रियली हाई पैकेज, यू कैन नॉट लिव दैट. सो इफ यू थिंक लाइक तुम उसे लात मार सकते हो, तुम उससे ज्यादा कर सकते हो, देन तभी छोड़ना. ऐसे नहीं कि रात को डिसाइड किया छोड़ देते हैं. आई थिंक कि जॉब छोड़ना या फिर कॉलेज ड्रॉप आउट होना कूल तभी हो पाता है जब आप सक्सेस हो जाते हो. लेकिन अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर वो कूल नहीं रहता है. ट्रू, वो हॉट हो जाता है. काफी चाहते हैं कि जला दे आपको. मुझे सबसे ज्यादा डर कब लगा था, सबसे ज्यादा डर कब लगा लास्ट टाइम? प्लेसमेंट. हाँ यार, ये तो कुछ दिन पहले की बात है. मुझे लोग तुरंत बोल देंगे दोनों. प्लेसमेंट ठीक है. मुझे सबसे ज्यादा सेल्फ डाउट कब हुआ था? कोरोना की वैक्सीन नहीं बना पा. Even after studying chemical, so like that, कुछ chemical combine कर. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं. कुछ वैक्सीन निकाल. Last drop, drop, drop here. हाँ drop किया यार. नहीं एक कोई एक चीज जो कि मुझे सबसे ज़्यादा motivate करता है या attract करता है कुछ भी करने के लिए. प्रियादी. ची. अपना नाम. I think that's me. अगर मैं IIT में नहीं होता, मतलब इसके लिए मैं केमिकल इंजीनियर नहीं होता, तो मैं क्या कर रहा होता? क्या लगता है? मान लेते कि बेसिकली मान लो कि आईएसएम दरबार से मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओके नो, मतलब बेसिकली मैं इस फील्ड में नहीं होता, इस फील्ड में नहीं होता, मेरा आईआईटी में सिलेक्शन ही नहीं होता मान लेते हैं, तो फिर मैं क्या कर रहा होता? एंग्री. कहां पे? उसके पहले भी खर्चा था कहीं छोटा मोटा. सारी बारी पूजा समेत दिया था. ठीक है. हाँ YouTube ही कर रहा होता, कुछ बिट्स वगैरह टाइप के कॉलेज में होता. लेकिन कर YouTube रहा होता ये मैं इसलिए बोल सकता क्योंकि इसने YouTube कॉलेज जाने के बाद में 12th से ही स्टार्ट कर दिया था. नाइन टेंथ से लाइक बेस्ट अल्टरनेटिव करियर फॉर मी. दो चीजें हटा देते हैं. फ्रॉम व्हाट? केमिकल इंजीनियर या फिर जो मुझे जॉब मिली बिजनेस डेवलपर मान लो, और YouTube एंड ऑल हटा दो सब कुछ जो भी मैं करता हूँ. उसके अलावा मैं क्या बेटर कर सकता था डिपेंडिंग ऑन हाउ आई टॉक, हाउ आई लुक, व्हाटएवर आई से. कुछ किसी के लायक नहीं है. किसी चीज के लायक नहीं हो यार, यही करो तुम जो कर रहे हो. तो यही तो बोल ही रहा है. और क्या हो सकता है फिर? हटा ही दिया, वो भी हटा दिया. किसी और ब्रांच इंजीनियरिंग कर लो. इंजीनियरिंग तो करना बनता है. इंजीनियरिंग तो कर ही रहा होता क्योंकि इसको सब भेज देते. आई रिमेम्बर डिस्कशन ही हैड व्हेन ही गॉट 96% एंड वी वर लाइक एंड आई हैड आल्सो प्लान टू जा सकता है तू इंजीनियरिंग जा. कई बार मेरे लाइफ में ऐसा भी हुआ ना कि बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें हो गई है जिसको मैं डेस्टिनी ही बोलूंगा. एज फॉर एग्जाम्पल IIT में सिलेक्शन वॉज आई थिंक टफ क्योंकि ड्रॉप करके मैं गया था. निफ्ट क्लियर होना वॉज लक. आई ऑल्सो फील दैट क्योंकि मैंने कभी प्रिपरेशन नहीं किया था. बहुत छोटा बहुत पढ़ा था. वो भी स्केच मैंने लास्ट एक महीने में सीखा था. ठीक है. क्यों सीखा था? ऐसे ही रैंक क्यों सीखा था? लिफ्ट क्यों दिया था? ऐसे ही भाई. ऐसे क्यों दिया था? क्यों दिया था? मुझे डिजाइनिंग में इंटरेस्ट था. बकवास नहीं था. थर्ड क्वेश्चन, थर्ड की एज फॉर एग्जाम्पल कि मेरा बोर्ड में 96% आना, वो भी बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोलूं मैं, लक बेस्ड था. मैं लक इसलिए कहता हूँ क्योंकि आई डोंट थिंक कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उन्होंने मेरे से कम पढ़ाई की थी. ठीक है. आई थिंक सबने इक्वली पढ़ाई की थी. एंड उसके बाद फिर यहाँ पे भी अभी जो मेरी जॉब लगी है वो भी बहुत ज्यादा लक बेस्ड है. द रीजन बीइंग कि जितना पैकेज मुझे मिला आई थिंक वो मेरे डिपार्टमेंट से. अब मुझे नहीं पता तुम लोगों के साथ ज्यादा लग गई तो मुझे बता देना यार. आई थिंक कि टॉप सिक्स सेफ साइड के लिए बोल रहा हूँ. मुझे लग रहा है टॉप 5-7 में होगा आई गेस. ठीक है. तो टॉप 10 में तो पक्का हूँ मैं. तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा लगभग था क्योंकि मैं अपने डिपार्टमेंट का कोई टॉपर वॉपर नहीं हूँ. मैंने केमिकल कोर में कभी कोई प्रोजेक्ट ही नहीं किया, मतलब कोई इंटर्नशिप ही नहीं किया कभी. CGPA मेरी 7.3 है, 7.3 जो कि मतलब डिसेंट है. मेरी केमिकल कोर में जॉब लग गई. आई थिंक डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है. डू बिलीव इन दैट? No matter what, you believe in hard work. No, I believe in hard work for sure. Like I think first is hard work, but then luck plays a very vital role. अगर मतलब बेसिकली अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो फिर तो कुछ नहीं ही होगा. बट आप कई बार एक एग्जाम में ले लो, आप एक नंबर से पीछे रह जाते हो. क्यों रह जाते हो? दैट इज लक. डजंट मीन दैट आप नहीं कर सकते हो. लाइक हाउ वाज इट वर्किंग विद इक्लिप्स नोवा? वेरी गुड, वेरी कूल. काफी लकी महसूस कर रहे हो. सीखने को मिला आपको मेरे से? हाँ.